सूरत पोलीस कमिश्नर कचेरीए पहोंचेली मुस्लिम महिलाओए जणाव्युं हतुं, इंद्रपुरा विस्तारमां रहेता फिरोज ईटवाड़ा राते रोजा खोलीने दुकाननी बहार बैठा हता, त्यारे आसिफ तलवार अने शाहरुख नामथी जाणीता असामाजिक तत्वो आ विस्तारमां छेल्ला घणा समयथी खुल्ली तलवारो लईने रातना समये स्थानिक लोकोने डरावी रह्या छे, तेमना पासेथी रूपियानी मांगणी करी रह्या होवानी वात सामे आवी रही छे। असामाजिक तत्वोना द्वार खुल्ली तलवार लईने आ विस्तारमां रखडता होवाना सीसीटीवी पण सामे आवी। स्थानिक महिलाओं रमजान महीनो होवा छता पण आजे परिस्थिति एटली वणसी छे के तेओ पोलीस कमिश्नर ने रजूआत करवा माटे पहोंच्या हता। तो हीना शेखे जणाव्यु के अमारे ईट रेतीनो बिजनेस छे, आखा रमजान महीना दरमियान अमने खूब हैरान करवामां आवी रह्या, मारा पिता पासेथी रूपियानी मांगणी करवामां आवी रही, रूपिया आपवानो अमे स्पष्ट इनकार करी देता आ असामाजिक तत्वो हवे अमने खुल्ला हथियारो लई डरावा अमारा घरे पहोंची रह्या। अमारा पहेला पण आ विस्तारना अनेक लोकोने आशीष तलवार अने शाहरुख नामना ईसम हैरान करी रह्या हता, तेओ अमारी पाछळ पड्या छे। पोलीस कमिश्नर ने अमे रजूआत करी छे, जे सीसीटीवी फूटेज छे ते अंगे पण माहिती आपवी छे। मैं मुजफ्फर की वाइफ। 13 तारीख के दिन रात को हमला हुआ था, मेरे आदमी के ऊपर तलवार का घाव लगा था। समीर की गैंग, समीर बाबा बॉबी मुन्ना और सोहेल फिरोज, ये सब ने मिलकर उनकी अक्की पूरी फैमिली 50 जन की फैमिली है, उन लोगों ने सब ने मिलकर मेरे आदमी के ऊपर हमला करा था। उसमें तलवार की घा लग गई थी, उसमें मेरे आदमी के साथ में उनके 2-3-4 ऐसे फ्रेंड थे, उनको भी साथ में उन्होंने लपेटे में ले लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी, बिना काम का इन्होंने झगड़ा करके उन्होंने ऐसा करा है। अब पुलिस कमिश्नर से आपकी क्या मांग है? मेरी पुलिस कमिश्नर से यही मांगे कि मेरे को इन सबका प्रोटेक्शन चाहिए, जो जो है मेरा आदमी है, मेरा देवर है, आसिफ भाई है, शाहरुख है, और जो जो जिसके नाम है, मेरे को उन सबका प्रोटेक्शन चाहिए। उन लोग ने गलत फिर से नहीं करा था, वो छोकरा बचाव के लिए भागा था और उन्होंने वो फुटेज बताया नहीं, सिर्फ उसका ही फुटेज बताया और बताया कि ये लड़का हमारे से खंडड़ी मांगता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं, उसके ऐसा उसका ऐसा कोई ये नहीं है, वो सीधा साधा लड़का है, उसने ऐसा कुछ करा नहीं है, उसने बिना काम का उन्होंने ऐसा करा है। लोग ना हमारे को आके ना उसके रहते हेंगे, कॉलर चढ़ाते हैं, हर तलवार बताते, ये करते ये करेंगे वो करेंगे, ना हमको आके डराते, ना घर में भी आके धमकी देते कि घर में आके लेडीज को धमकी देते कि मैं तेरा तुम्हारे घर वाले का पांव तोड़ लूंगा, कोई को कहता तुम्हारे छोकरे का ये करूंगा, कोई को कहता तुम्हारे भाई का ये करूंगा, बच्चों को डरा के रखते ना, उनके घर के भी इतने इतने 5-5, 6-6 साल के बच्चों को भी लोगों ने तो तलवार देते, औजार देते। मैंने मेरी आंख से देखा है कि उनके घर में हर एक इंसान के पास औजार था, और लेडीजों को भी उन्होंने इतना चढ़ा बढ़ा के रखा है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो यूँ बोलते हैं कि मेले में सिर्फ हमारा ही चलेगा, हमारा ही चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों के दम पे सब कुछ नहीं चलेगा, जो भी होगा वो हमको बोली से इंसाफ चाहिए, बस हम गरीब इंसान है, हम कितना करेंगे। हमारे बच्चे सलमा बहन जी बताइए, क्या घटना हुई, क्या आज पुलिस कमिश्नर आए हो? मेरे लड़के को उन्होंने क्या कहा कि तेरे पांव तोड़ा दूंगा, मेरी सास हम सब बैठे लेते हैं, सबके सामने बोला कि तेरे बच्चे बच्चे को समझा दे, आज सबके साथ फिरे नहीं, आज अकेले साथ फिरे नहीं, तो ये बोला कि हम तेरे बच्चे का हाथ पांव तोड़ा लेंगे। अब हमारा छोकरा का तो ससुर तो है, कुछ भी ससुर के नाम कितने इनके घर के सामने ही है हमारा घर, उन लोग के परेशान बहुत हो गए, उसे टोला आता है सब आता है, हमारे घर में ना लेके ना घर भी बड़ा जाता हमारा, बहुत बेटी थी मैं क्या बहुत अलग। आपके बेटे के एक के साथ या कहीं के साथ ही मोहल्ले में हो रहा है? नहीं परिवार धमकी देखे ना, मैं तो बहुत गुस्सा है, पर मैं जिस टाइम बोल नहीं पा रहा हूँ। पुलिस कमिश्नर से क्या मांगे? मेरा हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को मैं बच्चा लड़ने में कुछ नहीं आपका नाम? रुखसार बानू। क्या घटना हुई? क्या मेरे भाई के लिए हुए ना था, इन लोगों जा के ना वहाँ पीछे जा के उसको हैरान करते बोलते है, तो उसको तलवार लेके पीछे दौड़े ना, तब वो आगे की वीडियो कहाँ गई, वो जो भागा ना उसकी वीडियो उतारे ने आगे के हटा दिए, तो हमारे को इंसाफ चाहिए बस। कौन है वो लोग और किस मोहल्ले? वो सामने खमन है, सोहेल है, फिर दूसरा ये फिरोज है, सफी है, इन लोगों सब है, इतना हैरान करते मेरे मामा को भी आगे मार लिए इन्होंने, समाचा मार लिया, सफी लंगड़े ने मार लिया था समाचा। ये घटना कहाँ हुई थी? ये न्याय गदेवान में, गदेवान में हुए ना। अब पुलिस से क्या चाहते हो? बस हमारे को इंसाफ चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आवा असामाजिक तत्वों आंतक ओछो थाय तेना माटे फरियाद करवामां आवी छे। आशिक अने तेना सागरितोने एवुं लागे छे कि तेओ डराविना अमारी पासेथी रूपिया लई जशे, परंतु अमारी मेहनतनी कमाणी तेमने शा माटे अमे आपीए। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज, सूरत।